वही है ये जो भाई एक प्लस नहीं लग रहा था, लेकिन आप देख लेना सही से। हाँ ये टू बहुत बढ़िया, हाँ बिना सपोर्ट थ्री, ये चीज फोर थोड़ा सा नीचे आने को, यहाँ ये फाइव, ये सिक्स थोड़ा नीचे, हाँ ये सेवन। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अश्विन कुमार। हेलो गाइस। सो गाइस आज की वीडियो अपने पुलअप्स के ऊपर है कि यार हाउ टू डू पुलअप्स, मतलब पुलअप्स कैसे करें। 10 से 12 रेपिटेशन जो भी ट्रेनर्स आपका बोलता है, 8 लगाओ, 10 लगाओ, 12 लगाओ, कैसे लगाएं। अगर आप पुलअप्स नहीं लगाते हो तो यार आपके जो जॉइंट्स है वो वीक है, कोर आपका वीक है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथों से पुलअप्स खींचते हैं, नहीं यार कोर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अपने ये जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स हो गए, और एल्बो का तो है, यानी कि आपकी रिस्ट भी वीक है अगर आप पुलअप्स नहीं लगा पाते हो। पुलअप्स यार वी शेप बैक देता है हमको, ठीक है। उसके लिए आप देखो, जब हम फर्स्ट डे आए थे, जब मैं फर्स्ट डे आया था तो 4 पुलअप्स ही मेरे सपोर्ट से लग रहे थे, ठीक है। सिर्फ एक पुलअप्स लग रहा था अपने आप से, बाकी फोर में भी मेरे को बहुत ज्यादा पावर यूज करनी पड़ी थी, लेकिन आज ये 7 8 पुलअप्स अच्छे से लगा लेता है। तो यार कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे हम आपको, जिससे आप इनको इंक्रीज कर सकते हो कि 10 से 12, 8 10 12 बढ़िया तरह से रेपुटेशन कैसे जाए पुलअप्स के अंदर। सो गाइस अपनी फर्स्ट टिप होगी जिसमें आप बढ़िया पुलअप्स लगा सकते हैं, वो आप देखिए। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंजरी के चांस कम होते हैं, यहाँ अपने लड़के जो है स्पोर्ट्स वगैरह लगाते हैं, शोल्डर प्रेस भी लगाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी बारबेल रख लेना इसमें, ठीक है। ये देखिए फिर आपको करनी कैसी प्रैक्टिस, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये अपने पैरों को आगे कर लेंगे ये चीज, चलो हैंग हो जाओ हल्का सा। हाँ ये वन, ये टू, ये थ्री, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे, ग्रिप स्ट्रेंथ। ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, चलो। सो गाइस देखिए जब आपके 15 20 ऐसे लगने लगेंगे तो यार मैं मान ही नहीं सकते कि आप जो है एक दो प्लस ना लगा पाओ, ठीक है। फिर वो लगाना एक दो प्लस, फिर जैसे जैसे आप एक दो प्लस, दो प्लस भी आपने अगर लगा लेना अपने आप से, तो आपके पुलअप के जो है रेपिटेशन बढ़ते जाएंगे। सो गाइस वो थी अपनी फर्स्ट ट्रिक। सो गाइस सेकंड ट्रिक होगी अपनी, देखिए ऐसे आपको हैंग रहना है, यहाँ पर हैंग रहेंगे, और उसके बाद अपने जो पहले तो ऐसे हैंग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने शोल्डर को ऐसे एंगेज कर लेंगे हल्के ऐसे, ठीक है। इसी पोजिशन में होल्ड रहने की कोशिश करें 10 15 सेकंड, 15 20 30 सेकंड, जितना आपसे रहा जाए, इससे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेन चीज इसमें ग्रिप स्ट्रेंथ ही है पुलअप्स लगाने में, तो अभी आप बढ़िया पुलअप्स लगा पाओगे। चलो करो, हाँ ये चीज, हाँ बस हल्का हल्का, हाँ ऐसे होल्ड रहना है, थोड़ा सा नीचे आके, इतना ऊपर नहीं, बस अपने शोल्डर को थोड़ा सा एंगेज कर लेना, हाँ थोड़ा सा उठा कर बस, हाँ चलिए बस बहुत बढ़िया। सो गाइस इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड गाइस अब जो हमारी थर्ड ट्रिक होगी वो अपनी लास्ट ट्रिक होगी, ठीक है। उससे आपके पुलअप्स के रेपिटेशन बढ़ ही जाएंगे। वो देखिए इस तरह से, ये आप इस तरह से नीचे जो है हम उस पर खड़े हैं, ठीक है, अपने टेबल पे। तो ये इस तरह से आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे होल्ड रहे तो ये नीचे आना है, ठीक है। फिर अपना जंप करके हल्का हल्का ऐसे करें, ठीक है, ये इस तरह से फिर, ठीक है। तो इस पावर का आपको यूज करना है अपने लेग से, ठीक है, ऊपर को उछल के थोड़ा होल्ड करके नीचे आए, स्लो स्लो। चलो एक बार करो, हाँ ये चीज, स्लो स्लो आओ, स्लो स्लो, सही है सही है सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। फिर से हाँ ये चीज, ये चीज। सो गाइस देखिए जितने भी रेपिटेशन बढ़े हैं मयंक के, तो ऐसे ही बढ़े हैं, ठीक है। अब 7 लग रही है, फिर आगे चल के अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, फिर जब 2 3 महीने जाएंगे तो ऐसे ऐसे रेपिटेशन बढ़ेंगे, 10 से 12 15 रेपिटेशन होते जाएंगे। सो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप बढ़िया पुलअप्स लगा सकते हो, जैसे अब लगाएगा मयंक। चलो यार स्टार्ट करो, अब गिनते जाओ बस। वही है ये जो भाई एक पुलअप्स नहीं लग रहा था, लेकिन आज देख लेना सही से। हाँ ये टू बहुत बढ़िया, हाँ बिना सपोर्ट थ्री, ये चीज फोर थोड़ा सा नीचे आने को, यहाँ ये फाइव, ये सिक्स थोड़ा नीचे, हाँ ये सेवन। ये अपने पुलअप्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें आप फॉलो करके बढ़िया 10 से 12 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन जितना चाहे आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। पुलअप्स करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। बस आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अच्छी डाइट लें, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, ये जो अपनी फोरआर्म से कलाई है, ये भी अपने मजबूत होंगे, और आप अच्छे पुलअप्स लगा पाओगे और आपकी वी शेप बैक भी बनेगी। सो गाइस फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।